एक सॉलिड स्पीयर है, ठीक है। ये देख क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और लेट्स ट्राई, खुद ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता तो उसको सीखो, क्यों नहीं हुआ, कहाँ मतलब कमी रह गई, क्या कमी है। एक्चुअली डीमोटिवेटेड नहीं होगो यार, ठीक है, कभी भी नहीं। ए सॉलिड स्पीयर रोलिंग रोलिंग कर रहा, फिर ट्रांसलेशनल और काइनेटिक दोनों होगा। इन रोलिंग ए बॉडी प्रोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT। अब देखो एक सॉलिड स्पीयर है, दिस इज सॉलिड स्पीयर, गोल है, सॉलिड स्पीयर है, ये रोलिंग कर रहा है, ओमेगा सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल मैं लिख सकता हूँ हाफ mv² वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉडी प्रोसेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी KT ये कह रहा है, ठीक है, एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KR। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, हाफ आई ओमेगा, हाफ सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर का यहाँ पे अपनी खुद के एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2mr² / 5। ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2/5mr² और ओमेगा इज इक्वल टू v² / r². तो r² ने r² को मतलब 2 by 10 mr² दैट इज द 2/10 mv² और ये हम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों का ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी का मुझे सम भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। तो ट्रांसलेशन में आया हाफ mv² / 2 और रोटेशन में आया इधर 2mv² / 10 इधर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर ऊपर नीचे तो यह जाएगा 7mv² / 10, दिख रहा आप लोगों को 7mv² / 10। अब रेशियो ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांसलेशनल इधर हम लोग लेके आए थे हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो यह आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये इन दोनों के सम है 7mv² और ऊपर गया 10। इसका मतलब ये हुआ mb ने mb को ये मतलब ये आ जाएगा 5/7, ठीक है, मतलब 5:7, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज बी ऑप्शन सही है ना। देखो कितना अच्छा था ये क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।